लास्ट वीडियो में हमने NPN ट्रांजिस्टर के बारे में समझा था, NPN, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इन दोनों को साथ साथ समझेंगे तो एक दूसरे में हम फर्क समझ पाएंगे और इनको कैसे लगाना है वो भी जानेंगे। तो ये है NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा ही है, और ये है PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल। ये देखने में थोड़ा डिफरेंस है, NPN ट्रांजिस्टर का जो एरो का निशान है बाहर की तरफ है, PNP में जो मीटर का एरो का निशान है वो अंदर की तरफ है। और ये मीटर है, ये कलेक्टर है, और ये बेस है, ये पिन बेस, ये मीटर, ये कलेक्टर। उसी तरह NPN का मीटर, कलेक्टर और बेस। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। NPN ट्रांजिस्टर का आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम इनका मीटर होता है जो NPN ट्रांजिस्टर का, उसको ग्राउंड करते हैं, और कलेक्टर पे हम कोई भी लोड लगाते हैं, और लोड को हम जो सप्लाई देते हैं वो पॉजिटिव वोल्ट देते हैं। मान लो हम यहाँ पे सर्किट ऑपरेट करा रहे हैं 12 वोल्ट से, और इसको एक्टिव करने के लिए ट्रांजिस्टर को एक रेजिस्टेंस के जरिए 0.7 वोल्ट देते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव दिए, और ये हमने 10K की एक रेजिस्टेंस लगाई, और एक इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस हमेशा, जेकर कोई लोड हमने कलेक्टर के थ्रू चलाना है, इस सर्किट के हिसाब से चलाना है, तो एक रेजिस्टेंस हमेशा बेस पे ग्राउंड रहेगी यहाँ पे, ताँ जो ये ट्रांजिस्टर अपने आप एक्टिव ना हो। जब ये 12 वोल्ट इधर से मिलेंगे और इधर आउट में 0.7 वोल्ट मिलेंगे, तब ही ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो। और इसका जब एक्टिव होता है ट्रांजिस्टर, मीटर और कलेक्टर ये कनेक्ट हो जाते हैं और लोड चलने लगता है। जहाँ पे हमने एक रिले का सिंबल बनाया है, ये हम NO पॉइंट नॉर्मल ओपन और ये कॉमन पॉइंट, जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे और कोई भी लोड हम चला सकते हैं। उसी तरह ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, इसके मीटर पे हम पॉजिटिव वोल्ट सीधे देते हैं, कोई भी PNP ट्रांजिस्टर हो, और कलेक्टर पे हम कोई भी लोड लगा के इसको ग्राउंड करते हैं, मतलब नेगेटिव सप्लाई देते हैं। ये भी सर्किट हमने 12 वोल्ट लिए हैं अपडेट कराने के लिए, और इसके बेस पे हम जो वोल्ट देते हैं वो माइनस देते हैं, नेगेटिव देते हैं। इस ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.7 वोल्ट नेगेटिव आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। इधर भी हम 12 वोल्ट माइनस देते हैं। अब इसी तरह जैसे ये NPN ट्रांजिस्टर में एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, उसी तरह PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे भी एक रेजिस्टेंस लगी रहती है जो मीटर से कनेक्टेड होती है, ताँ जो ये ट्रांजिस्टर अपने आप एक्टिव ना हो। जब इसको -0.7 वोल्ट मिले तब ही ये एक्टिव हो। तो जेकर यदि हम 0.7 वोल्ट देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है और लोड चलने लगता है। इधर भी हम एक ले लेते हैं, ये NO पॉइंट और ये कॉमन पॉइंट। जब ये 0.7 वोल्ट माइनस फॉर्म में मिलेंगे तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, कलेक्टर और मीटर जुड़ जाएंगे, और 12 वोल्ट सीधे इस रिले को मिलेंगे, इस तरफ ग्राउंड पहले से ही है, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। जेकर ये सर्किट इंटरचेंज हम यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह के सर्किट आपको बहुत सारी PCB में देखने को मिलेंगे, हर एक PCB में ये सर्किट यूज़ होता है। तो NPN और
एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की एक पहचान है ये, जिसके एमिटर पे एमिटर को ग्राउंड किया जाए, नेगेटिव सप्लाई दी जाए, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। जिसके ट्रांजिस्टर को मीटर पे पॉजिटिव वोल्ट दिए जाए, वो 12 हो, 5 हो, कितने भी हो, सर्किट के अकॉर्डिंग कितने पे ये वर्क करवाया गया, तो समझ लेना वहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमेशा बेस पे 0.7 माइनस मिलेंगे और एनपीएन को 0.7 प्लस मिलेंगे, तो ये एक्टिव होगा। बाकी के सर्किट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।